गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, वो इम्पॉर्टेंट भी था और काफ़ी इजी भी था। तो मैं बार बार हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, प्लीज़ लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर मारिए कि उनमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके जेई मेंस और नीट के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और एक और प्रेफरेंस बोलूँगा, प्लीज़ सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। पिछले 2-3 साल से मैं ऑब्जर्वेशन दे कर रहा हूँ कि स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के। मतलब तो अगर आपका जो भी स्टडी मटेरियल आप जब बनाते हैं उनको ख़त्म होने के बाद आप प्लीज़ गो थ्रू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, आखिर सब पढ़ना क्या रहता है, तो देखो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ते थे कि भैया कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा मेरा, राइट, कितना एक्सटेंट तक प्रोडक्ट बनता है। वो हम कहाँ देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहीं से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आया। थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता चलता है कि भैया कि कोई अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो भैया उसमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ये मुझे थर्मोडायनेमिक्स से पता है। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स वर्ड मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब होता है स्पीड। तो आपको बस केमिकल काइनेटिक्स में यही पता करना है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कितने स्पीड में होगा या कितने टाइम में होगा, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स में सीखने को मिलती है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे है। तो जैसे आप सपोज करो कि आप कोई अल्कोहल कंपनी के मालिक हो, क्या हो, अल्कोहल कंपनी के मालिक। तो अल्कोहल वगैरह में क्या होता है कि वो जैसे रॉ मटेरियल जो भी अंगूर वगैरह होता है या गेहूं वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं वो, और सड़ा सड़ा के वो एक लिक्विड तैयार करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मतलब फर्मेंट करते हैं। बेसिकली सड़ाना मतलब फर्मेंटेशन करवाते हैं उसका, और उसके बाद उसको लकड़ी के गैलन जो होते हैं उसमें वो अल्कोहल को उसमें डाल देता है, ठीक है, और उस अल्कोहल को फिर वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर उनको मिलते रहता है। तो हो सकता है आपने पढ़ा होगा भाई जितना वाइन पुराना उतना ही वाइन महंगा होता है। वाइन जितना पुराना उतना ही कॉस्टली हो जाता है। उसका एक रीज़न है क्योंकि वो बेस्ट फर्मेंटेड क्वालिटी का रहता है। अब जैसे सपोज कर अगर आप अल्कोहल कंपनी के मालिक हो और आपने क्या किया है कि उसको आपने सपोज करो 30-50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, आपको मतलब टोटल जो अल्कोहल बनाने का जो कॉस्ट पड़ा वो 30-50 लाख कॉस्ट पड़ा। अब ऑब्वियस बात है उसको प्रिपेयर होने में एटलीस्ट 5 साल लगेंगे। तो अब आप ये तो नहीं चाहोगे भाई 50 लाख रुपए में लगा कि अब मैं 5 साल वेट करूंगा, तो वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भैया मैं एक केमिकल इंजीनियर को हायर करूँगा, ठीक है, उसका काम क्या होगा, उसका काम बस यही होगा कि भाई वो जो मेरा प्रोडक्ट 5 साल में तैयार हो रहा था वो एनी हाउ भैया 6 महीने में तो नहीं हो सकता, लेकिन 5 साल के बजाय वो 2 या 2.5 साल में कर देगा। 2 या 2.5 साल में कैसे करेगा भाई वो क्या करेगा कि वो टेम्परेचर और प्रेशर पे ही खेल करता है। भाई टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फर्मेंटेशन की क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से उसको जो वाइन 5 साल जो क्वालिटी वाइन की 5 साल में तैयार होने वाली थी उसी क्वालिटी के वाइन उसको 2.5 साल में मिल जाएगी। हालांकि जो बोलते हैं ना कि भैया 100 साल पुरानी वाइन है 150 साल, वो एक्चुअली 100-150 साल पुरानी वाइन नहीं होती है। वो उनको क्या करता है, उनके उस कंडीशन में उतने प्रेशर टेम्परेचर तक उनको उतने रखा जाता है ताकि उसका क्वालिटी उसके बराबर हो जाए, ठीक है। यार अब कुछ सोचो 100 साल पुरानी वाइन अगर वो बनाएगा तो तब तक वो जिंदा भी रहेगा क्या उसको बेचने के लिए। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये भी देख सकते हो कि जब आप दही जमाते हो, कढ़ हम बनाते हैं, तो मम्मी लोग घर पे क्या करती है, तो जैसा गर्मी रहता है तो भाई हल्का सा दूध को हमने गर्म किया, हल्का सा निवाए दूध में हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चम्मच हमने क्या डाला, दही डाला। तो अगर गर्मी है तो दही जल्दी बन जाता, लाइक 5 घंटे में दही ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है 6 घंटे में। लेकिन अगर हमने उसको बनने के बाद थोड़ा फर्मेंट होने के बाद अगर मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा, अगर मान लो उसको बाहर ही छोड़ दिया उस दही को, तो क्या होता, तो अगर आप दही तो जमा दिया आपने लेकिन उसको बाहर ही रखा, उसी टेम्परेचर में मेंटेन किया, तो ऑलरेडी फर्मेंट होते रहेगा, दही क्या हो जाता आपका, खट्टा हो जाता। आप ऑब्जर्व करना दही आपका क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दही को बनने के बाद 5-6 घंटा बनने के बाद क्या करते हो, फ्रीज में रख देते हो, तो ऐसा नहीं है वो दही खट्टा नहीं होगा, दही खट्टा होगा लेकिन उसका टाइम प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर अभी क्या कर दिया, घटा दिया। जब टेम्परेचर घटा दोगे तो जो फर्मेंटेशन की जो क्वालिटी होती है, मतलब जो दही बनने की जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, उसकी रेट क्या होती है, बढ़ती है, उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ता है।
आई बात समझ। यही अगर हम सर्दियों में या बारिश के मौसम में दही जमाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस दही को हम पहले कोई कंबल वगैरह से लपेट देते हैं ताकि उसको प्रॉपर उतना गर्म टेम्परेचर मिले, और उसके बाद फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे किसी भी रिएक्शन के रेट में लिखने का, ठीक है। तो यही बेसिकली आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। ओके बेटा, तो मैं लिख देता हूँ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच डील्स विद द रेट ऑफ deals with the rate of chemical reaction and various factor which affect and various factors which affects and various factor which affects the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, the rate of is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics, ठीक है। It also deals with mechanism, it also deals with mechanism of reaction, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी बहुत आसान टॉपिक है, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक नहीं होता, इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन हाई रहता है, बाकी होते ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये भी, ठीक है। बट एक बार आपको बस प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। देखो पूरे चैप्टर में हमें तीन पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट हमें पढ़ना रेट ऑफ द रिएक्शन, आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमें पढ़ना कि आखिर किन किन फैक्टर्स पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। पहला पार्ट में हमें रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में पूरी चर्चा जो हम आज से अब जो चार घंटा जो डिस्कशन करेंगे, चार पाँच घंटा जो हमारा लेक्चर होगा आगे के, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेंगे। बाकी के दो तीन चार घंटे हमारा डिपेंड करेंगे उनके फैक्टर्स पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम जो दो घंटे तीन घंटे जो पढ़ेंगे ओवरऑल, वो सिर्फ और सिर्फ हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पे पढ़ेंगे। देखो ऑर्गेनिक वाले क्या करते हैं, मैकेनिज्म बताते जरूर है, बट उस मैकेनिज्म को डिसाइड करने वाला ये चैप्टर होता है। आपने बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगा RDS का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन बताता है, ये केमिकल काइनेटिक्स से ही हमें पता चलता है। और इसी वजह से हम बता सकते हैं कि भैया कौन से टाइप का, एक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन है, एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है, मतलब उसी से हम पता करते हैं बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, ठीक है। तो पार्ट फॉर दी थिंग हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, तो वो लिख देता हूं मैं, वी हैव टू स्टडी पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RORR, ठीक है। अब ये फैक्टर अफेक्टिंग में इनके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला फैक्टर हो सकता है कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर हो सकता है प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, कैटलिस्ट भी एक फैक्टर होता है इनके, ठीक है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। सारा खेल ही टेम्परेचर पे ही होता है बेटा किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। और कंसंट्रेशन का जो फैक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डोंट वरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहीं से हमें पढ़ना रहता है, कंसंट्रेशन के फैक्टर से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता सकता हूँ कि कभी खुदा खास्ता क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है। फिर आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद ऑर्डर एंड मैकेनिज्म,
आखिर मैकेनिज्म और ऑर्डर को हम कैसे डिसाइड करते हैं वो इन चैप्टर्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है मेरा मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आखिर हम किन मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट में हमें पढ़ना है अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस थ्योरी, इसी में अरहेनियस इक्वेशन आता है। और लास्ट हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ना है हमें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो अरहेनियस थ्योरी पे इसी साल जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया था और नीट में भी क्वेश्चन आया था अरहेनियस थ्योरी पे, ठीक है। तो अरहेनियस थ्योरी मतलब ओवरऑल हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इसका, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ट्वेल्थ के किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे आसान है, ये भी आपको मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर कि हमें एक एक चीज़ को एक एक कवर करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रेट क्या होता है, रेट बेसिकली बताता है स्पीड, क्या बताता है स्पीड। अब जनरली मैं बोलता हूँ कि भैया मान लो कि अगर आपको यहाँ से भरने नाका जाना, सपोज करो, तो आप क्या करोगे भैया, यहाँ से रोटर स्कूल से आप भरने नाका गए, तो आप पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई, यहाँ से अगर मैं बोलूँ भाई आप कितने स्पीड में गए, तो आप ये देखोगे भाई यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना था और सपोज करो मुझे 5 मिनट टाइम लगा वहाँ पहुँचने में, तो आपका स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम, ठीक है, आपने जितना भी टाइम टेकन लिया। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ डिस्टेंस वगैरह तो होता है, टाइम का जरूर फैक्टर यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे बस होता भाई देखो किसी भी चीज़ का रेट हम क्या बोलते हैं भाई, समथिंग का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही मेरे लिए रेट होता है भाई। आपने स्पीड बोला मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बोलते चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरीके से क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का भी यही खेल होता है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम हर चीज लिक्विड में करते हैं और उसी के चेंज को हमें देखना पड़ता है कि उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसका चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसका रेट हो जाएगा। अगर उस केस में अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो गैस है, तो आप क्या बोलोगे चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, गैस का तो कंसंट्रेशन भी ले सकते हो प्रेशर भी ले सकते हो, तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन के क्वेश्चन में उसने क्या दिया, ठीक है। तो रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, रेट इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फॉर केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इज कंसंट्रेशन, इज कंसंट्रेशन मतलब रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन चेंज इन क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, या तो कंसंट्रेशन हो जाएगा या तो प्रेशर हो जाएगा, या तो कंसंट्रेशन लोगे या तो आप प्रेशर लोगे। कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में लोगे, अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, और प्रेशर किस फॉर्म में लोगे, अगर सॉल्यूशन आपका किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। और ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये होता है मेरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं
रिएक्शन का टाइप डिसाइड करते हैं। जैसे अब रेट अब जैसे हो सकता है ना भाई, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और कुछ रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट होती है। जैसे अगर आपने नई कार ली, ठीक है, तो नई कार में रस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब उसमें रस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उस कार में कभी रस्टिंग नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, अप्रोक्स 10-12 साल 13 साल लग जाते हैं, राइट। आजकल तो क्या हो जाता है, आजकल पेंट कोरोजन फ्री पेंट पेंट भी आ चुके हैं, जो वो क्या करते हैं, कोरोजन को रेसिस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं, जिंदगी भर की कोई गारंटी नहीं लेता कि एक बार आपने ये पेंट लगा दिया तो कोरोजन नहीं होगा, होता है, बट इट विल टेक टाइम, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, जैसे आप जितने भी एसिड बेस्ड रिएक्शन कराते हो, ये सारे के सारे फास्ट रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कुछ रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलते हैं, किससे चलते हैं, मॉडरेट स्पीड से। अब एक बात बताओ, अगर आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालना है, तो आप ना तो बहुत स्लो रिएक्शन लोगे, ना ही आप बहुत फास्ट रिएक्शन लोगे, क्यों, फास्ट रिएक्शन ऐसे चला जाएगा, मान लो कोई चीज़ आपके सामने ऐसे चली गई, तो आप कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे, मान लो कोई गाड़ी है तो आपके सामने एकदम स्पीड में चली गई, आप उसको कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, कोई गाड़ी एकदम स्लो जा रही है तो भी आपके लिए कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई गाड़ी एकदम मीडियम स्पीड से जा रही है तो आप बता सकते हैं, हाँ भाई ये इसका कलर ऐसा है, ये गाड़ी का ब्रांड ये है, वट एवर जो भी थिंग्स है। तो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हम निकालते हैं, वो कौन किससे निकालते हैं, वो बेसिकली हम मॉडरेट रिएक्शन से निकालते हैं, क्योंकि स्लो वाला भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है और फास्ट वाला भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो जो आगे के चैप्टर में जितने भी आप रिएक्शन पढ़ोगे, बेसिकली वो सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो मॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, N2+3H2 turns to ट्राइसोफ NH3, ये एक मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन है, तो ये अपना एक सफिशिएंट टाइम लेता है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट होगा ना बहुत ज़्यादा स्लो होगा। और इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। तो हमारे लिए क्या है भैया, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में फाइनली एंड अनफाइनली मुझे पढ़ना तो मैकेनिज्म के बारे में ही है, निकालना मुझे मैकेनिज्म के बारे में है, और मैकेनिज्म का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो हमें यही इन्हीं कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शन आपको दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासिफाई द रिएक्शन into three category, तीन कैटेगरी में हम रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी, रिएक्शन विच आर completed within fraction of second. Fraction of second में जो complete हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, very fast reaction बोलते हैं, ठीक है। Example इनके कितने होते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं मेरे, very fast reaction। जैसे suppose करो NaCl aqueous plus AgNO3 aqueous tends to give AgCl precipitate करेगा और NaNO3 क्या करेगा, aqueous। अब एक गौरतलब की बात क्या है, इस AgCl को precipitate बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे ही आप बूंद बूंद मिक्स करोगे तुरंत क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत आपको सिल्वर क्लोराइड का क्या मिल जाएगा, precipitate मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो मेरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है, जो बहुत टाइम टेकन होता है, ये जो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स में तो नहीं पढ़ना, लेकिन आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जरूर पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम वेरी स्लो रिएक्शन को ही पढ़ता है, ठीक है। रिएक्शन विच रिक्वायर ईयर्स फॉर देयर कंप्लीशन for their completion, so there is no practical importance,
there is no practical importance. So there is no practical importance to determine rate of such reaction. मतलब उन लोगों को practical importance नहीं होता है, ठीक है? इनका example में आप क्या लिख सकते हो? Rusting of iron. Rusting of iron क्या होता है? बहुत slow process होता है, ठीक है? Next आता है third. Important हमारे लिए कौन सा है? यही है, और यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में. किसके बारे में? मॉडरेट रिएक्शन के बारे में. मॉडरेट रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच रिक्वायर फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन. रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन which can be measured practically, ठीक है, which can be measured practically. आई बात समझ में? Example सारे के सारे molecular reaction जो होते हैं ना, molecular reaction जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडरेट रिएक्शन होते हैं. क्या होते हैं सारे के सारे आपके? मॉडरेट रिएक्शन. बेस्ट एग्जांपल इसका मैं दूं, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा N2+3H2. ये क्या देगा आपको? ट्वाइस ऑफ NH3. ये बेस्ट एग्जांपल है इनका, ठीक है? चलो अब जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो है रेट. आखिर इस रेट को निकाला कैसे जाता है, या डिफाइन कैसे किया जाता है, या शो कैसे किया जाता है, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं हम थोड़ा, ठीक है? रेट के मैं बात करूं तो रेट में क्या होता है, जैसे सपोज करो ए टेंस टू बी करते हैं. अब आपको केमिकल रिएक्शन में याद होगा कि हर रिएक्शन को हम क्या मानते थे? रिवर्सिबल मानते थे. रिवर्सिबल मानने का मेरा मेन फंडा ये होता था, हमें प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए. हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट का अमाउंट चाहिए. तो ऑब्वियस बात है, आपको यहाँ पे बस इतना ही करना है. आपको ये देखना होगा कि आखिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कितने टाइम पे मिलेगा, वो टाइम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दो स्टेप हम करते थे, यहाँ पे भी अब आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे केमिकल. तो लेट यहाँ पे ए नोट था, तब ये जीरो था. टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे मैं 80 मानता हूँ, लेकिन ये 80 क्या इसके बराबर होगा? ए नोट माइनस एक्स के बराबर. क्या होगा? ए नोट माइनस एक्स के बराबर मैं लिख रहा हूँ इसको, ऐसा लिख देता हूँ मैं. चलो ये हो जाएगा 80. ए नोट माइनस एक्स, यहाँ क्या बनेगा? एक्स, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ? बी टी मान रहा हूँ. क्या मान रहा हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी. आई बात समझ में सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या होगा, ठीक है? अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है. क्या लिखना है? विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो कभी कभी बुक में आपको इसको क्या दिया जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए. इनको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोलूं मैं, मतलब मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरा क्या है, या मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, इसी को मैं दूसरा नाम भी ऐसे दे सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है.
तो इसको हम जो लिखते हैं माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज चेंज इन टाइम, तो डेल्टा टी लिखो। तो चेंज कितना हुआ भैया, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो यहाँ माइनस लगाने का बस ये था ना कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे सपोज करो मैंने सब्ट्रैक्ट किया ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट बाय कितना टाइम टी टाइम लगा, ए नॉट ए नॉट क्या आ जाएगा तो एक्चुअली माइनस एक्स आता है। तो कभी भी कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन नेगेटिव हो गया मतलब स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए हम ऑलरेडी क्या करते हैं पहले से एक माइनस साइन लगा देते हैं। उस माइनस साइन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो रेट है ये हमेशा रिएक्टेंट का रेट को शो कर रहा है, किसका रेट को शो कर रहा है रिएक्टेंट। तो कभी भी किसी के रेट के आगे नेगेटिव आ गया मतलब समझ लेना वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाई टी, इतने स्पीड से क्या हो रहा है रेट ए मेरा क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, ए डिसअपियर हो रहा है, या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा एक्स बाई टी होगा। तो आई होप से ये बात क्लियर होगी क्यों मैंने नेगेटिव लगाया, तो ओवरऑल मेरा चीज क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। और इस नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है कि ये कंजम्पशन को बताता है या डिसअपियरेंस को बताता है। आई बात समझ सबको, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, इसका मतलब क्या रिएक्शन का रेट विथ रिस्पेक्ट टू आपको बी, तो ये तो क्या होगा प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। देखो अगर चेंज बड़ा है तो डेल्टा लोगे, छोटा चेंज हो बहुत स्लाइटली चेंज हो तो डी से हम डिफरेंशियल फॉर्म वाला जो डी होता है उससे हम डिनोट करते हैं इनको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस डेल्टा बी बाय डीटी, प्लस मतलब ये शो कर रहा है ये अगर ये प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, वो डिसअपीयरेंस था ये अपीयरेंस था ये कंजम्पशन था, तो ये क्या होता फॉर्मेशन है, क्या है फॉर्मेशन ऑफ बी। तो आई बात समझ में, ये फॉर्मेशन को बताता है या अपीयरेंस को बताता है, इसलिए हम प्लस को देते हैं। इसका क्या लिखोगे इनिशियली जीरो फाइनल कंसंट्रेशन कितना था एक्स एक्स माइनस जीरो बाई टी, तो अगेन ये कितना आया एक्स बाय टी आया, कितना आया x by t। आई बात समझ सबको, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ c, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लेट कोई आपका रिएक्शन है c से d गया, तो मैं बात करूं रेट ऑफ c की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस डी सी बाय डी टी। मान लो कोई रिएक्शन है c टेंड्स टू गिव d, तो रेट ऑफ c मतलब क्या होगा माइनस डी सी बाय डी टी होगा। और अगर मैं रेट ऑफ d की बात करूं, रेट ऑफ डी आपके लिए क्या हो जाएगा प्लस डी ऑफ डी बाय डी टी। बस फर्क इतना ही है बेटा दोनों में कि ये जो चेंज होता है डेल्टा जो चेंज होता है वो लार्ज चेंज के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो, किसके लिए अगर कंसंट्रेशन का बहुत लार्ज चेंज है तो डेल्टा रिप्रेजेंट करोगे, और अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे डी से रिप्रेजेंट करोगे। आई बात समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी या रेट ऑफ सी या रेट ऑफ डी इसका मीनिंग है कि ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। देखो रिएक्टेंट को आप किस फॉर्म में उसका रेट को डिफाइन कैसे कर सकते हो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्टेंट उसका मतलब भी वॉइस, इन सब का मीनिंग क्या है एक ही होता है। आई बात समझ में। अच्छा एक बात और, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट लिखना है तब आपको स्टाइचोमेट्री की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं दोनों नोट पॉइंट लिख दूँ कि नेगेटिव क्यों लिखा हमने, और ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट में लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा समझने के लिए। अगर आपने ये एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो आगे के प्रॉब्लम बहुत आसान है, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखे, इसलिए मैं इनको स्लो स्लो लेके जा रहा हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव सो फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो फॉर expression of reactant, so for expression of reactant minus sign will be there because for reactant final concentration, because for
रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात है याद रखना, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट डिफाइन कर रहे हो, पर्टिकुलर सब्सटेंस, अब जैसे रेट ऑफ सी की बात कर रहे हो, तो रेट ऑफ सी किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की रेट की बात कर रहा है। रेट ऑफ डी किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ डी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो मुझे स्टोइकोमेट्री से तब कोई मतलब नहीं कि भैया आप स्टोइकोमेट्री जो भी हो, ठीक है, तो फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर, तो याद रखना इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, आगे आपको डिफरेंस समझ में भी आएगा जैसा जैसा चैप्टर करेगा। तो याद रखना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मुझे क्या होता है, रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, तो अब इनकी बात करें यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट आखिर इनकी यूनिट क्या होती है, तो मुझे पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है भाई, जितना कंसंट्रेशन हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर आप इसको बोल सकते हो टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, या मोल इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये टाइम इनवर्स, ये टाइम क्या हो सकता है, ये टाइम हो सकता है सेकंड में, हो सकता है मिनट में, हो सकता है आवर में, हो सकता है डेज में, हो सकता है ईयर्स में, ये टाइम कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ये उसने क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए, अगर मेरा गैसियस फेज में है तो यही रेट क्या हो जाएगा, प्रेशर पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब यूनिट ऑफ रेट फॉर गैसियस क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू गैसियस फेज क्या होगा, मतलब एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा, एटीएम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम इनवर्स। आई बात समझ सबको, तो आई होप से ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि आखिर अभी तक हमने क्या देखा कि भैया पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट हमने डिफाइन करना सीखा, भाई रिएक्टेंट का रेट को कैसे लिखा जाता है या कैसे डिफाइन किया जाता है, या प्रोडक्ट के रेट को हम कैसे डिफाइन किया जाता है। आई बस इनके हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं भैया एक्चुअली हमें तो पढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट को डिफाइन किया या उनके बारे में सीखा, अब हम ये देखें कि आखिर कैसे हम पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम इक्वेट करते या कैसे लिखते या कैसे उनके बारे में, उनके क्या रिलेशन होता है, किसी रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का रेट और रेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस का कैसे रिलेशन होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझ में, डिफरेंट रेट मतलब रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये तो आपने क्या किया, पर्टिकुलर आपने लिखना सीखा कि इनको हम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इनका आपस में जो रिलेशन होगा वही तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिफाइन करता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ सबको, जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है 2A tends to 3B, ठीक है,
ये आपको कोई रिएक्शन? अब यहाँ पे स्टाइचोमेट्री भी है, अब आपको समझ में आ जाएगा आखिर स्टाइचोमेट्री का क्या यूज होता है। आप इन दोनों का आप इनका रिस्क का रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ ए या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इनका आपस में क्या रिलेक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने टाइम इक्वल टू जीरो पकड़ा तो ये ए नॉट और ये जीरो है, और टाइम इक्वल टू टी पकड़ा तो ये ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे क्योंकि टू है तो टू एक्स लिखोगे, यहाँ पे थ्री एक्स थ्री है तो थ्री एक्स लिखोगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सपोज करो लेट्स टॉक, मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं कि रेट ऑफ ए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी, क्योंकि हमारा जो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में होता है, जो केमिकल रिएक्शन हम क्या करते हैं सिंटेक्स के टंकी से हम रिएक्शन नहीं करवाते, हम टेस्ट ट्यूब में ही करवाते हैं। ये बात समझ में, तो ऑब्वियस बात है जो भी चेंज होगा ऑलमोस्ट डी के बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो अब से जो भी मैं डेल्टा के नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा क्या लिखूंगा माइनस डे। तो ऑब्वियस बात है क्योंकि रिएक्टेंट है तो इनका यहाँ पे मैंने पहले क्या लगा दिया नेगेटिव लगा दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनल कंसंट्रेशन आपका कितना है माइनस ऑफ ए नॉट माइनस टू एक्स माइनस ऑफ ए नॉट बाय डी टी, ये होगा बाय द चेंज टाइम में चेंज कितना आ रहा है डी टी आ रहा, ठीक है। ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू डी एक्स बाय डी टी। ये मेरा ये किसकी वैल्यू आई रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की वैल्यू ये आई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ बी हो जाएगा प्लस डी ऑफ बी बाय डी टी, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो इन फाइनल कंसंट्रेशन क्या था 3x था माइनस जीरो बाय डी टी, तो ये कितना हो जाएगा सॉरी डी, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे भी डी लिखना भूल गया मैं, डी डी बाई डी टी, और एक का कंसंट्रेशन का फाइनल वैल्यू मैं निकाला तो ये यहाँ पे क्या डी एक्स बाई डी टी, वही यहाँ पे करेंगे हम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा थ्री ऑफ डी एक्स बाई डी टी। आई बात समझ में, ये मेरा क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी टी, आई बात समझ में। अब एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, ये जो डी एक्स बाई डी टी है ना यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपके लिए क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी, आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी हो गया। आई बात समझ में, यही चेंज देखो ये चेंज ही हम चेंज जो डी एक्स बाई डी टी होता ना यही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता, और ये किसके बराबर होगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर होगा जो भी स्टाइचोमेट्री होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए क्या होगा माइनस डी ए बाय डी टी, और जो भी इनका स्टाइचोमेट्री होगा उसको आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू प्लस डी बी बाय डी टी कंसंट्रेशन ऑफ डी बी बाय डी टी, और इसका जो भी स्टाइचोमेट्री होगा इसको आपको क्या कर देना डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, यही आपका एग्जैक्टली क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा आपका बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ सबको, हाँ या ना, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे, मैंने सॉरी इसको डायरेक्टली कर दिया, आप ऐसे समझो अगर आपको नहीं भी समझ में आया कैसे, देखो यहाँ पे बेटा मेरा माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है टू इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी जो होगा, ठीक है, ये वन बाई टू इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या होगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। सेम सेकेंड वाली इक्वेशन को लेकर चलो तो ये मेरा क्या हो रहा है प्लस डी बी बाई डी टी, ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा थ्री इंटू डी एक्स बाई डी टी के बराबर हो जा रहा है, जिसके मतलब डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वन बाई थ्री कंसंट्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी, और यही डी एक्स बाई डी टी मेरे लिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा
इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी ए ऑफ डी ए बाई डी टी या प्लस वन बाई थ्री कंसंट्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी। तो आई होप से ये बात आपको समझ में आए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आपको बराबर करना है रेट विथ रिस्पेक्ट, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप किसके बराबर कर सकते हो, उनके रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन या रेट ऑफ ए और इक्वल टू रेट ऑफ बी, बस उनका जो भी स्टैचोमेट्री होगा वो उनके क्या हो जाता है, डिवीजन में आ जाता है, और ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बनता है। आई बात समझ में, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इनके ऊपर प्रैक्टिस ताकि आपको बेटर समझ में आए। जैसे सपोज करो एक और रिएक्शन में दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो 2a प्लस 3b टेंस टू गिव 6c, क्या दिया मैंने 6c, आपको इसका फिर से रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे a नॉट लोगे, यहाँ पे भी a नॉट लोगे, यहाँ पे 0 लोगे, ठीक है, क्या लिया मैंने 0, चलो a नॉट की जगह मैं उसको b नॉट लेता हूँ, बेटर अलग ही मानते हैं, ठीक है। t इक्वल टू t पे क्या होगा, a नॉट माइनस 2x होगा, b नॉट माइनस 3x होगा, और यहाँ पे फॉर्म कितना होगा 6x। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ a, तो रेट ऑफ ए को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी डिफाइन करूंगा। अब इसका चेंज जो होगा वो क्या होगा, मेरा माइनस डी ऑफ ए नॉट माइनस 2x माइनस ऑफ ए नॉट बाय डी टी, ए नॉट कैंसिल प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी हो गया, ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ बी की बात करूं तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ डी बी बाय डी टी, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी बी नॉट माइनस 3x माइनस बी नॉट बाय डी टी, बी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 डी एक्स बाय डी टी। आई बात समझ में, तो आप तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तीसरा मैं सी के बारे में कैसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ सी क्या होगा, प्लस ऑफ डी सी बाय डी टी, मतलब क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू डी एक्स बाय डी टी लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने बोला किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आप किससे डिफाइन करोगे, डी एक्स बाय डी टी। तो ये किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी बी बाई डी टी, और यह किसके बराबर हो सकता है, प्लस 1/6 डी सी बाई डी टी। तो आप समझ रहे हो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, बस उनके बराबर कर दीजिए और उनके स्टैचोमेट्रिक को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में, तो इन जनरल मैं हमेशा क्या लिखूंगा, दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगा तो उनका रेट किस तरीके से डिफाइन होता है, मान लो अल्फा ए प्लस बीटा बी टेंस टू गिव गामा सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, प्लस डी एक्स बाई डी टी, ये नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन, आप किसी भी रिएक्शन, दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस 1/ अल्फा डी ए ऑफ ए बाई डी टी माइनस 1/ बीटा डी बी बाई डी टी और प्लस 1/ गामा डी सी बाई डी टी। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आपको उसके पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ डिफाइन करना है तो आपको बस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के स्टैचोमेट्रिक को क्या करना है, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के स्टैचोमेट्रिक क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। आई बात समझ में, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, देखो जैसे सपोज करो 5a प्लस 6b टेंस टू गिव 8c, ठीक है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज रेट ऑफ ए, सपोज करो एक बेसिक क्वेश्चन है कि रेट ऑफ ए क्या होगा आपके लिए, तो रेट ऑफ ए आपके लिए जो होगा आप सिंपल सा लिखोगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी।
आपको नोट जो सेकंड नोट लिखाया था मैंने, मैंने क्या बोला, अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर आपको रेट डिफाइन करना है उसके लिए आपको स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं होती है। स्टोइकोमेट्री की जरूरत कब पड़ती है, जब रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिफाइन करना होगा पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ क्या रिलेशन है, तब मुझे स्टोइकोमेट्री की जरूरत। भैया ये क्या है मेरा माइनस डी ए बाई डी टी, सिंपल सा रेट ऑफ ए है, ये क्या है रेट ऑफ बी है और रेट ऑफ सी है, इनको डिफाइन करने के लिए स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं है, इनका सिर्फ आपको चेंज चाहिए, निकाल दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे इनका कुछ नहीं पता लेकिन मुझे सिर्फ ये दिया हुआ, तो आप क्या करोगे 1/5 - 1/5 dA/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है रिलेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है रेट ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तब आपको स्टोइकोमेट्री की जरूरत होती है और विदाउट स्टोइकोमेट्री पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, एक मिनट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट बिफोर देख पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा मैं। तो राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग, ठीक है एक्सप्रेशन निकालना है आपको बेटा। ठीक है, पहला है ट्वाइस ऑफ H2O2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। ठीक है, आपको इसका क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, -1/2 dA ऑफ H2O2/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन को जरूरी हर बार आप उस तरीके से डिफाइन करो dx/dt। ठीक है, सिंपल से अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोझा इनके साथ क्या रिलेशन होगा, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और उसको इनके स्टोइकोमेट्री से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस 1/2 dA ऑफ H2O/dt और प्लस dA ऑफ O2/dt। ठीक है, अब आशा करता हूँ इस तरीके से आप एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो, N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3, तीसरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ O2 ट्वाइस ऑफ SO2 + O2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ SO3 एंड फोर्थ वन हो जाएगा आपका 1/2A + 1/2B टेंस टू गिव 1/5C। इनके रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगेन यहाँ पे क्या होगा, -d(N2/dt) = -1/3 dH2/dt = +1/2 dA(O)₃ / dT। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा -1 इनका स्टोइकोमेट्री और dO₂/dt = -dO₂/dt = +1/2 dO₃/dt। आई बात समझ में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, -2 dA/dt = -2
डी ऑफ डी बी बाय डी टी और इज इक्वल टू प्लस 5 डी ऑफ सी बाय डी टी। आई बात समझ में सबको, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आई होप सो ये सब आपको चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आखिर में छोटे छोटे पहले न्यूमेरिकल हम सीखेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या है, 2a टेंस टू 2a प्लस 3b टेंस टू गिव 5c। ये सब पहला क्वेश्चन जो बोला है क्वेश्चन ए कि सॉरी पहले इसमें गिवन डाटा क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, क्या बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर विच चेंजेस टू 5 मोलर विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करने बोला है, पहला कैलकुलेट जो करने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। सेकेंड कैलकुलेट क्या करने बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना बोला, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना बोला। और थर्ड क्या बोला उसने, वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ माइनस डी बी बाई डी टी एंड प्लस डी सी बाय डी टी। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको सिर्फ ये वैल्यू भी पता है तो बाकी वैल्यू आप रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो इसको सिंपल सा मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट डिफाइन करने के लिए आपको स्टोइकोमेट्रिक जरूरत नहीं, सिर्फ उनका चेंज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज उसने क्या दिया हुआ है, 10 मोलर 5 में चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियली क्या था आपका, फाइनल कितना हुआ 5 और इनिशियल कितना था 10, डिवाइड आप करोगे इससे किससे, 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 5/20, तो दैट्स नथिंग बट 1/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब उसने सेकेंड क्या क्वेश्चन बोला, सेकेंड क्वेश्चन बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो वह होगा -1/2 डी ए बाय डी टी। और डी ए बाय डी टी की आपने वैल्यू कितनी निकाली है, 1/4 निकाली है, तो माइनस और डी ए बाय डी टी की वैल्यू है 1/-1/4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस में रहेगा, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी की वैल्यू है 1/4, तो ये एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1/8। तो तीसरा का वैल्यू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन क्या है, -1/3 डी बी बाय डी टी। तो उसको मुझे वैल्यू किसके निकालने से, माइनस डी बी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना है, 1/8 इंटू 3, कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 3, तो -3/ कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव को आप क्या करना होगा, पॉजिटिव ही मान के चलोगे। ठीक है यहाँ पे, और ठीक है, तो अगर मैं डी सी बाई डी टी की बात करूँ तो डी सी बाई डी टी का क्या रिलेशन होगा, 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या होगा 5/8। तो आई होप सो ये आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव आ भी रहा होगा तो भी आपको इसको पॉजिटिव ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम ख़त्म करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 rate of consumption of N2 is 1.5 × 10 molar per second। ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन।
तो ठीक है, आपको ये करना है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, N2+3H2 tends to give twice of NH3, यही बोला, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2, रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी ऑफ N2/dt। ठीक है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन N2 से ही मतलब है और इसका स्टोइकोमेट्री 1 है। तो N2 का कंजम्पशन कितना दिया हुआ, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ कितना उसने, 1.5×10⁻³। अगर ये किसी बच्चे का आंसर आ रहा है, अगर ये किसी का आंसर आ रहा है तो मैं बता देता हूँ बेटा, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, इसका एक रीज़न है। देखो मैंने सिर्फ बेटा जो मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने क्वेश्चन में सिर्फ उनका गिवन डाटा दिया, मैंने रिएक्शन नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलो सर ये क्यों गलत है, क्योंकि भैया ये जो स्टोइकोमेट्री है ये आपके हाथ में है भैया। उसने सिर्फ ये बोला कि अमोनिया का फॉर्मेशन करना N2 एंड H2 से, तो ये भी तो अमोनिया का ही फॉर्मेशन है ना, 6H2 टेंस टू गिव 4NH3। कोई बोलेगा कोई समझ, सर मुझे ऐसा लेने के मन नहीं है, मैं N2H2 किस रेशियो में लूँगा, 1/2N2+3/2H2 टेंस टू गिव अमोनिया। भैया उसने वर्डिंग में ये बोला है कि अमोनिया को फॉर्मेशन करना है N2 और H2 में, उसने ये नहीं बोला कि रिएक्शन ये होगा। तो जब तक रिएक्शन ना लिया जाए, जब तक रिएक्शन ना गिवन हो, तब तक अपने मन से स्टोइकोमेट्री कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ स्टोइकोमेट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो जब तक आपको रिएक्शन ना दिया जाए, अपने मन से आप स्टोइकोमेट्री नहीं ले सकते। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें रिएक्शन आपको दिया हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन में निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2×1.5×10⁻³। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है 1/2×1.5×10⁻³, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ कंजप्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ N2/dt, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप किसी रिएक्शन को करा रहे हो तो उसका रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट, तो लेकिन आप यहाँ देखो रेट ऑफ रिएक्शन वैरी कर रहा है, मैंने टेम्परेचर नहीं भी दिया तो टेम्परेचर मान के चलो कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बेटा मैंने रेट रिएक्शन नहीं दिया, और अपने मन से आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हो। तो जब तक आपको पूरा रिएक्शन नहीं हो, आप स्टोइकोमेट्री भी अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टोइकोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केमिकल काइनेटिक्स में, स्पेशली रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में। ठीक है, तो जो मैं बात करना चाहता था, ठीक है एक मिनट जस्ट, ठीक है, आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट कैसे लिखा होगा। अगर आपको रिएक्टेंट का किसी का रेट लिखना हो तो आप क्या बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिर्फ आपको रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट का रेट लिखना हो या प्रोडक्ट का रेट लिखना हो, उसमें ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनमें स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा स्टोइकोमेट्री की जरूरत होती है, और वो क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया जाएगा, आप अपने मन से कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये आज हमने सीखा। और दूसरा बात हमने क्या सीखा कि भैया रिएक्टेंट हमेशा, अगर आप साइन कन्वेंशन में जाओगे तो रिएक्टेंट को हमेशा हम नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को हमेशा हम क्या साइन कर रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन में। तो आई होप सो ये जो छोटी छोटी बातें ये आपको समझ में आई होंगी, बाकी की चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।